हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ चिकन करी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते तो हैं। इधर मैं ले ली हूँ चिकन, ये 1 केजी चिकन है हमारा। इसको अच्छे से हम साफ़ कर लिए थे, तो इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसमें हम 2 स्पून दही डाले हैं, जो बड़ा वाला स्पून होता है उसमें, और नमक डाल देंगे इसमें, और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये रेडीमेड है, तो 1/2 स्पून में इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देती हूँ, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट करके रख देंगे साइड पे। तो इधर मैं इसको 10 मिनट के लिए बस रखूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हो। इधर मैं चढ़ाऊंगी कुकर, कुकर में बनाऊंगी, बहुत ही जल्दी बन जाता है कुकर में। तो इधर मैं सरसों का तेल डाल दूंगी कुकर पे, और सरसों का तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। जब हमारा सरसों का तेल अच्छा गरम हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ मिर्च, लहसुन और ये कुछ खड़े मसाले और एक सूखी मिर्च, और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको भूनने के बाद देखिए अब भुन गया है हल्का सा। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, तो बारीक कटा हुआ हम प्याज इधर लिए, 4 प्याज ली थी मैं, जिनको मैं बारीक कट कर ली हूँ। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हो, बट ऐसे में क्या होता, बहुत ही जल्दी हमारा प्याज भुन जाता है, और जो हम पेस्ट बना के भूनते हैं तो उसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ इधर धनिया पाउडर, तो 2 से 3 स्पून मैं इधर धनिया पाउडर डाल देती हूँ। और गैस को इधर हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, क्योंकि हम सूखा मसाला डालते हैं तो जलने का वो रहता है। तो बस इधर हमको पानी थोड़ा सा डाल के और भूनेंगे हम इधर। और हल्दी पाउडर तो हम उसमें डाल चुके थे चिकन में, और लाल मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए मसाला हमारा हल्का सा भुन गया है, तो इधर हम टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को भी हम बारीक कट लिए हैं इसमें, टमाटर मैं 3 टमाटर ली थी मीडियम साइज पे, तो उसको भी डाल के हम अच्छे से अब भून लेंगे। अब इधर मैं डाल देती हूँ नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम चिकन में भी डाले थे इसलिए उसके हिसाब से डालेंगे। और टमाटर हमारा जल्दी इधर भुन जाएगा, बहुत जल्दी गल जाएगा टमाटर इसलिए। और ये जो चिकन हम रखे थे मैरिनेट करके, तो उसको भी डाल देंगे और भूनेंगे हम अच्छे से, चिकन को भी साथ में, मसाला के साथ में। इसको हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, और गैस को इधर हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, नीचे से मसाला हमारा जो है वो जलने लगेगा। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये बड़ा स्पून एक डाल देते हैं चिकन मसाला, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे अब। तो ये चिकन मसाला बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी हम गैस को आप देख रहे हो मीडियम फ्लेम पे ही रखें, एकदम धीमी है गैस हमारी। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से देखो भुन गया है, मसाला भी भुन गया है, तेल ऐसा बहुत छोड़ रहा है साइड से। तो इसमें अब पानी हम डाल देंगे, तो ये देखिए भुन लिए हैं। पानी में ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा गाढ़ा ग्रेवी करेंगे हम, जो करी होती है वो गाढ़ी रखेंगे थोड़ा। तो ये, और कुकर में पानी हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि कुकर में क्या होता है पानी हमारा जलता नहीं है, जैसे हमारी कढ़ाई में पानी जल जाता है बट कुकर में नहीं जलता है। और इधर इस मिक्स करके हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और इसमें हम 4 सीटी लगाएंगे, और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। तो ये देखिए 4 सीटी, बहुत ही अच्छा हमारा चिकन पक गया है 4 सीटी में। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी ग्रेवी और कितना अच्छा चिकन हमारा दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली थी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अब एक बोल पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही
आसान तरीके से मैंने ये रेसिपी बताई है आपको, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।